मैं 8-9 साल से जॉब कर रहा था, और पता है मेरा जॉब में सिर्फ कॉपी पेस्ट होता था। मेरा काम बहुत आसान होता था, बहुत आसान। आप ये समझ लो कि मैं 5 मिनट आप लोग को अपना काम समझाऊंगा ना, 6 मिनट आप मेरी कंपनी के मुझसे बेहतर रिसोर्स हो। इतना कॉपी पेस्ट कराते थे मेरे, और मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात से, मुझे ये दिक्कत है 8 इंटरव्यू किस बात के लिए। तुम लोगों ने 8 इंटरव्यू लगे तुमको ये जानने में कि ये लड़का एक शीट से डेटा उठा के दूसरी पे चिपका पाएगा कि नहीं। और इतना नहीं, फाइनल इंटरव्यू में तो मुझे बोला गया था कि वी हैव 5 कैंडिडेट्स इन पाइपलाइन, 5 और हैं जिनकी उंगलियां तेज हैं, देख ले, वी आर सिलेक्टिंग यू बिकॉज ऑफ यूर क्रिएटिव अप्रोच ऑफ डूइंग थिंग्स। अब बताओ मैम, इसमें कहां क्रिएटिव अप्रोच यूज करूं मैं थूक लगा के डेटा चिपकाऊं, क्या करूं बताओ मैं यार। मैंने 40 सब्जेक्ट पढ़े थे बीटेक में, 40 सब्जेक्ट, जिनमें से एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी था। इतना बड़ा ड्राफ्टर मंगवाते थे रोज, मुझे लगता था कुछ तो यूज होगा उसका। अभी भी ऐसे कैसा पड़ा घर में, दिवाली में जाले साफ कर रहा हूं उस समय। 40 सब्जेक्ट पढ़े मैंने, कुछ काम नहीं आया। एक बार मैंने थर्ड ईयर में एक सीनियर से वीलू कप लगाना सीखा था, बस। मैं आज तक वीलू कप ही लगा रहा हूं बस। आप मुझे एक दिन आगे बोल दो कि राकेश आज वीलू कप नहीं लगाएगा, भाई साहब मैं यूं ही देखता रहूंगा स्क्रीन पूरा दिन, अब क्या करूं इसमें भाई, अब क्या करना होता है। इतना कॉपी पेस्ट। अभी मुझे 6 महीने पहले मेरी एचआर ने नया चमचमाता हुआ लैपटॉप दिया एकदम, 6 महीने में उस पे से कंट्रोल सी और वी से पेंट हट गया। बाकी पूरा लैपटॉप एकदम चकाचक है बिल्कुल। और इतना नहीं, उस कीबोर्ड की फोटो क्लिक करके ले जा रही उस दिन, मैंने ये कहा ले जा रही हूं, बोली मैं सोच रही हूं naukri.com में जॉब डिस्क्रिप्शन की जगह डाल दूंगी इसको, कैंडिडेट को जॉब समझने में आसानी होगी। वैसे मुझे पहले लगता था ये कॉर्पोरेट वाले इतना हैंडशेक क्यों करते हैं, ऑफिस आओ तो हाथ मिला रहे हैं, जाओ तो हाथ मिला रहे हैं, वॉशरूम से आओ तो हाथ मिला रहे हैं। अब मुझे समझ आया ये लोग चेक करते हैं कि टुंडा तो नहीं हायर हो गया है। हाँ तो हाथ तो बढ़िया है, इसलिए कॉपी पेस्ट सही करेगा कि नहीं करेगा। और देखो मुझे कोई दिक्कत, मेरे को क्या है, जैसे मैं इतने साल मैंने जॉब की ना, तो मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो गई थी, और कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्थ तो पता होती है, तो मुझे लगता है कि ये जितने मुझे देते हैं ना उतने मेरे बनते नहीं है। सैलरी वाले दिन कहीं ना कहीं ऐसे घबराहट से चढ़ी रहती है कि जैसे ही सैलरी क्रेडिट का मैसेज आएगा उसके बाद एक कॉल आएगा कि इसमें से अपने 11,300 निकाल ले और बाकी एक काली अटैची में डाल के पुराने मंदिर के पीछे रखा, हम अपने आप उठा लेंगे वहां से। पहले ही प्रेशर में रहता था, मुझे प्रमोट करके 5,000 और बढ़ा दिए, मैं उसमें 100 रुपए डाल के 5100 मंदिर में चढ़ा रहा हूं कि प्रभु ये सेटिंग बने रहने देना बस, 5100 आपके हर महीने आते रहेंगे बस, किसी को पता ना लगे। घबराहट घबराहट में एक बार तो मैंने अपने मैनेजर को हर महीने 10,000 भेजने शुरू कर दिए थे कि सर आप ये रखो, बस कुछ पूछना मत मुझसे प्लीज। बोला भाई मत भेजा, मुझे लगता है मेरे ही ज्यादा भेज रहे हैं लोग, मेरे को खुद लगता है कि मेरा इतना बनता नहीं है। और मुझे देखो अपनी जॉब की वैल्यू भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरी जॉब बहुत मुश्किल से लगी थी। जैसे बीटेक में क्या होता है ना, मैंने बीटेक किया, और बीटेक में क्या होता है कि हर कॉलेज में एक बड़ी कंपनी आती है, TCS है इंफोसिस में से, और वो लोग 200-300 लोग उठा लेते हैं और बाकी बच जाता गोबर। मेरे कॉलेज में दोनों आई थी, TCS और इंफोसिस दोनों आई थी, और मेरे कॉलेज में तो अफवाह थी कि TCS वाले साथ में खाली बस लेके आते हैं, अगर भाई उस दिन तूने टाई पहन ली ना तो ये लोग जॉब दे देंगे। इतना नहीं, इसके बाद ये लोग यहां से जाते हैं लेबर चौक। जो लेबर बिना फावड़े के दिख गया उसको भी बस मर लेते कि तू भी चल भाई, उंगलियां तेरी भी सही लग रही है। ऐसे इजी माहौल में मेरे को इंटरव्यूअर ने बोल दिया था कि राकेश आप अपनी जगह मुझे बिठा के जॉब देके दिखा दो, क्योंकि मुझे मेरे सीनियर ने बताया था कि अगर तेरे को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना तो मना नहीं करना है, आपको बोलना है कि सीख लूंगा। उससे क्या है, ऑप्टिमिज्म दिखता है, पता लगता है कि आप सीखना चाहते हो, पर उसने ये नहीं बताया कि ये कितने क्वेश्चन तक बोलना है। नहीं पता था। मैं चला गया अपने यार, पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि बेटा आपको सी लैंग्वेज आती है, मैंने कहा सब नहीं आती, सीख लूंगा। वो एकदम से घबरा गया कि अरे यार
सवाल ही गलत होगा, लड़का तो सही लग रहा है। कॉन्फिडेंस के हिसाब से शायद कुछ गलत पूछ लिया। बोला थोड़ा और पोलाइट हो बेटा, आपको कोई भी और टेक्नोलॉजी, कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? मैंने कहा सर नहीं आती, सीख लूंगा। अरे हराम खोर तुझे शर्म आती है? मैं सर नहीं आती, सीख लूंगा। आप मौका दो बस एक बार, ऐसा शर्माऊंगा उसके बाद में। टेंशन ही मत लो आप। आपको पता है मैं इतना क्रिएटिव बच्चा था कॉलेज में, इतना इन लोगों ने मुझे जंग लगा दिया है। 8-10 साल में मेरे पास कोई स्किल छोड़ा ही नहीं है। मैं कंपनी ही नहीं चेंज कर पा रहा हूँ। क्या क्या कह के करूंगा बताओ? क्या रिज्यूमे बनाऊं? रिज्यूमे के नाम पे बस ये कर सकता हूँ मैं, मेरे से तेज करके दिखा दो कोई ऐसा। और इन लोग ऐसे बेइज्जती करते हैं। इन लोगों ने अबूजी मुझे अवार्ड दिया पता है, लॉन्ग सर्विस अवार्ड। याद और दिलाते हैं मुझे कि पहले आप आए थे, फिर कंपनी आई थी, फिर सीमेंट आई थी, और लॉन्ग सर्विस अवार्ड में इन लोगों ने मुझे गिफ्ट पता क्या दिया? इन लोगों ने मुझे गिफ्ट किया है फ्लिप कैलेंडर। देखो तारीख ही मैं भूलना चाहता हूं। देखा आप लोगों ने फ्लिप कैलेंडर? किसी ने देखा? मैं दिखाता हूं, मैं लाया हूं, वेट। ये गिफ्ट किया इन लोगों ने मुझे। ये बेइज्जती मेरी 2000 लोग के सामने की गई है। आप देखो, एक तो मेरा पहले ही काम करने का मन नहीं करता है, अब मेरी जिंदगी में रोज का एक नया काम और ऐड कर दिया है। कि जाके पहले इसका पत्ता पलटो। मैं भाई साहब इतना तंग आ गया हूं, सबसे पहले इसमें फ्राइडे की डेट डाल देता हूं कि एक काम तो खत्म हुए। और आप बताओ कैलेंडर का इकलौता काम क्या था? कैलेंडर का इजाद इसलिए हुआ था कि आपको डेट बता सके। ये पहला ऐसा मनुष्य कैलेंडर है जिसमें अगर आपको डेट जाननी है तो डेट आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें सेट कर पाओगे। अगर आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है ना, तो आप बता नहीं सकते। मान लो सर आप 1 महीने के लिए कोमा में चले गए, आप उठे बोले भाई डेट क्या, मैंने इसमें चेक कर ले भाई, आपको 7 जन्म लग जाएंगे। बहस क्या, तारीख कौन सी आ रही है? जब से ऐसा मूड, इसका मेरी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं, इसका मेरी जिंदगी में सिर्फ इतना मकसद है इसको फेंक के मारूंगा। उठाना भाई साहब, अगले शो में भी यूज करता हूं मैं। मैंने कहा आप ऐसा मूड बन गया था कि चलो कुछ तो मिला 250 में, रख के चलता हूं इसको। बढ़िया, अपना बहुत भाई अच्छी है सर, ये ऐसा मूड खराब करता है ये। जब से ये सब हुआ ना, उसके बाद से मेरा ऑफिस से मन ही हट गया पता है आपको। मेरा 10 बजे ऑफिस शुरू होता था, मेरे को पता था मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं 12:30 से पहले कभी जाता ही नहीं था। मैं छोड़ भाई कुछ है ही नहीं अपना। फिर हम लोग को मेल आया कि ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड, काम बढ़ रहा है अब, ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड एवरीवन विल एक्सटेंड देयर शिफ्ट एंड द ऑफिस विल स्टार्ट एट 8। तो मैं 10:30 जाने लगा। भाई साहब 3 महीने बाद मुझे पता लगा HR ने वो मेल सिर्फ मुझे भेजी थी। देख रहा आप, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग अब यार। नहीं, क्या दिक्कत थी? अगर उबर वाले को मैं थोड़ी देर वेट कराया था क्या दिक्कत थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके आ गया। आप टेक्नोलॉजी को भी पागल नहीं बना सकते। नॉर्मल फोन से उबर बुक कराता है ना कि एस्टिमेटेड वेट टाइम 10 मिनट्स 15 मिनट्स, मेरे फोन से उबर खोलते आता मीट द ड्राइवर नाउ। अभी मैंने डेस्टिनेशन भी नहीं डाला है, ड्राइवर गाजियाबाद में नहा के निकला है अभी। ऐसा बुरा हाल कर दिया। मेरे मैनेजर से बिल्कुल नहीं बनती थी, उसने फिर मेरे को डाल दिया नाइट शिफ्ट में, तंग आ गए। पहले तो मुझे भी घबराहट हुई यार, नाइट शिफ्ट में कैसे होगा? पर फिर बाद में मुझे पता लगा यार, नाइट शिफ्ट तो बहुत बढ़िया है। मेरा बस एक काम था कि एक लैपटॉप है उसे जिंदा रखना है, बस। जैसे ही वो धुंधला हो माउस हिला दो, और जैसे ही वो फुल चार्ज हो जाए तार हटा दो। भाई साहब 15 दिन बाद तो ये काम मैं पैरों से कर लेता था। कुर्सी में बैठा रहता तो पैर से जॉब करता रहता था। अभी यार मैं इतना खाली हो गया था, रात को मैं सिर्फ मूवीज देखता था बैठ के, सिर्फ मूवीज। इतना खाली हो गया था, रिपीट में मूवीज देखता था। और मेरे साथ क्या है ना, देखो मेरे साथ ये कि अगर मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो मुझे लगता है दुनिया के चक्षु बंद क्यों है, कि ज्ञान बांटा क्यों ना जाए। तो मैं अब मूवीज देखता था एकदम नोटबुक और पेन लेके, कि मान लो अभी मेरी किसी डायरेक्टर एक्टर से मीटिंग हो तो उनको बताना तो पड़ेगा भाई साहब क्या गलती है इसमें। जैसे मैं एक मूवी बताता हूँ आप लोगों को, भूल भुलैया मूवी देखी आप सबने? कैसी लगी आप लोग को? है ना, फर्स्ट टाइम मुझे बहुत बढ़िया लगी। सेकंड टाइम जब मैंने नोटबुक और पेन लेके देखी, बोले क्या वाहियात मूवी आ रही, इसको बिल्कुल मिड में खत्म कर सकते थे, कॉस्ट बच सकती थी इतनी ज्यादा। जैसे मैं बताता हूँ आप लोग, मूवी के मिड में एक सीन आता है बिल्कुल,
सब तांडा वांडा सब सेट किया होता है, एक्ट्रेस के अंदर भूतनी आती है विद्या बालन के और उससे पूछता है कि कौन हो तुम, तो क्या बोलती है, आमी मंजुलिका, यहां क्या करने आई हो, शैतान राजा के मारबे, कब मारोगी, दुर्गाष्टमी पे, तो अभी क्यों आई हो, ठीक है। वो वहां से चली गई। मेरा इतना सा पॉइंट है, जब वो इतनी बात मान ही रही है तो आगे मूवी बनानी क्यों है, तुम बता क्यों रहे हो उसको कि दुर्गाष्टमी आ रही है, वो आई थी उसको गिफ्ट कर देते फ्लिप कैलेंडर। अपना ढूंढती रहे दुर्गाष्टमी, इसमें तेरे को मिल भी जाए तो दुर्गाष्टमी के लिए पहले इसमें दुर्गाष्टमी सेट करनी पड़ेगी, तब इसमें दुर्गाष्टमी पता लगेगी तेरे को।